सकता है। तो तुम्हारे बाप दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा, इन नमक हराम औलादों को किसने हाथ दे दिया? क्या जो इतराज कर रहे हैं, क्या अजमेर हमारा मरकज नहीं है? अरे तेरा क्या, तेरे बाप दादा का मरकज भी अजमेर था। मरकज अजमेर था। अजमेर से प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि अजमेर में किसी मुल्ला का नारा नहीं लगता, किसी मुफ्ती का नारा नहीं लगता, अजमेर में ख्वाजा के बाबा का नारा लगता है। प्रॉब्लम इससे है कि अजमेर में जैसे दरवाजे पे जाते हो तो दरवाजे पे किसी के बाप का नाम नहीं लिखा है, ख्वाजा के बाबा का नाम लिखा है, शाहस्त हुसैन लिखा है, बादशाहस्त हुसैन लिखा है, दीनस्त हुसैन लिखा है। तो भाई जिसके नस्लों में यजीद का खून आज भी बाकी है, उसे ख्वाजा से भी नफरत है, उसे करबला से भी नफरत है। का 35 करोड़ मुसलमान ख्वाजा की नमक हरामी छोड़ दे और ख्वाजा के दरबार में जाकर माफी मांग ले तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों को मिटा दो, इसलिए कि ख्वाजा ने अनासागर को समेटा था कूदे में, उस अनासागर को वापस बहा दिया। तो जिस अनासागर को बहा दिया, साइंसदानों ने कहा कि 800 सालों में ना जाने कितने दरिया खुश हो गए, ना जाने कितनी नदियां सूख गई, मगर अनासागर जिसे ख्वाजा ने बहाया वो आज तक सूख ना सका। तो अजीब बात है, अरे जिस दरिया को ख्वाजा ने बहा दिया जब उसे कोई मिटा ना सका, तो जिन मुसलमान